राष्ट्रपति बालाजी में प्रसाद प्रणाली में थती गैररीतिओ सामे इंदौर ना श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान थी शांति मार्च काढवामां आवी हती, जेने कूच में भाग लेनारा हजारों श्रद्धालुओं एकता में पोतानो अवाज उठाव्यो हतो। आ प्रसंगे नागोरिया पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्राम पंचायरे पण भक्तोने संबोधन कर्युं हतुं, जेमां तेमणे जणाव्युं हतुं के आपणी आस्थाने ठेस पहोंचाडता आ कृत्य सामे आपणे एक थवुं पड़शे। पदयात्रा कलेक्टर कचेरीए पहोंच्या बाद राष्ट्रपति अने वडाप्रधानने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं हतुं। मेमोरेंडम मांग करवामां आवी हती के आ मामलानी गंभीरता समजवी जोईए अने हिंदु आस्थानुं सन्मान करवुं जोईए। नागोरिया पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्यए जणाव्युं हतुं के आ शांति कूच मात्र विरोध नथी परंतु आपणा धार्मिक अधिकारोना रक्षणनुं प्रतीक छे। आपणे आपणी आस्था अने परंपराओनुं रक्षण करवा हमेशा तैयार रहेवुं जोईए। ये हिंदुओं पे छल पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 2019 से लेके ही इसका निर्णय कर लिया होगा उन लोगों ने, जहां हिंदू टेम्पल्स में अन्य धर्मावलंबी को चेयरमैन क्यों नियुक्त किया गया और आगे से इस प्रकार की घटना नहीं हो और हिंदुओं टेम्पल्स को भारत सरकार या राज्य सरकारें अपने अधीनस्थ है उनको मुक्त किया जाए, अलग से धर्म रक्षण बोर्ड का गठन हो, यह हम सब लोगों की विशेष मांग है। और जो आस्था को चोट पहुंचाई है उन विधर्मियों को कठोर से कठोर और जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। इस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं, कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आकर आने की जो कंपनियां हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही। राजनीतिक पार्टियों को समझाने के उद्देश्य से ये सब हिंदू संगठित हुए हैं, अगर अब भी उन लोगों को कठोर सजा नहीं दी गई तो फिर मजबूरन हिंदुओं को सजा देने के लिए आगे आना पड़ेगा।